बांदा में आज कमिश्नर गौरव दयाल ने विकास प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया। बांदा जनपद में विकास प्राधिकरण के सचिव सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह के प्रयास से बांदा विकास प्राधिकरण ने राजस्व वसूली में कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका कारण लोगों में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को सही तरीके से मकान निर्माण और दुकान निर्माण और निर्माण कार्य करने की जागरूक करने से सरकारी राजस्व की बढ़ोतरी हुई है। कई सालों की तुलना में बीडीए का चार्ज लेने के 6 माह बाद सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह ने 1,32,00,000 रुपये की राजस्व वसूली की है। लोगों को जागरूक किया है, जिसके बाद लोगों ने अपने मकान दुकान और अन्य निर्माण संबंधित कार्यों के नक्शे विकास प्राधिकरण से पास कराए, जिसके बाद सरकार को एक बड़ा रेवेन्यू बांदा जनपद से प्राप्त हुआ है। साथ ही शहर के किनारे पड़ी हुई वीरान जगहों को डेवलपमेंट कर वहां आबादी बसाई जा रही है, जिससे शहर का विकास हो रहा है। बांदा विकास प्राधिकरण में नक्शे पहले ही वैसे पास हुए हैं, पर उनकी संख्या थोड़ा कम थी। परिवर्तन कार्य थोड़ा काफ़ी धीमी गति से चल रहा था। विगत 3 वर्ष में जो हमारा मानचित्र परिवर्तन कार्य से पैसा जो धनराशि अर्जित हुई है प्राधिकरण को, 18-19 में जो धनराशि है 69,00,000 के लगभग है, 19-20 में हमारा 70,34,000 है, और इधर जो वर्तमान हमारा वित्तीय वर्ष है 5-6 महीने में लगभग हुआ है, उसमें हम लोग 21,32,00,000 रुपये हम मानचित्र और इसमें लोगों को जागरूक करके सहयोग से इतना हम अंदर जमा करा चुके हैं। इधर लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी लोग अब आते हैं मानचित्र पास कराने के लिए। थोड़ा हम लोगों ने जो प्रचार प्रसार किया है, नई संबंध योजना आई थी उसके तहत भी, तो अब लोगों में जागरूकता हुई है और हमारा स्टाफ काफ़ी उसमें लगा हुआ है कि प्राधिकरण की आय बढ़ाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। सुनियोजित विकास तभी संभव है बांदा का, और इसी में हमारा जो 3 योजनाएं हैं दीनदयालपुरम, हमारा तुलसीनगर, इंदिरा नगर, हमारे वर्तमान में तुलसीनगर और दीनदयालपुरम में कार्य चल रहा है। हमें अभी अध्यक्ष महोदय हमारे आयुक्त महोदय द्वारा 7-8 करोड़ का उसमें स्वीकृति दी गई है और हमने टेंडर कर दिए हैं, और हमने आवंटन भी 1 जनवरी से हम खोल रहे हैं, जो कि दीनदयालपुरम आवंटन शुरू हो जाएगा।